जन्माष्टमी कब है, जानिए वैष्णव और शैव कब मनाएंगे यह शुभ जन्मोत्सव। जानिए शुभ मुहूर्त महत्व सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है और देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करने से घर में संपन्नता आती है और भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि कब से कब तक है और शैव और वैष्णव समुदाय के लोग किस दिन मनाएंगे कृष्ण जन्मोत्सव, यह जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को सप्तमी तिथि दिन में 8:20 से समाप्त होकर अष्टमी तिथि लग जाएगी तथा रात्रि में 9:20 से रोहिणी नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र जयंती योग बना रहा है। शास्त्रों में बुधवार तथा सोमवार को भी पुण्य फल कारक बताया गया है। किम पुनर्बुधवारेण सोमनापि विशेषतः, अतः स्वार्थ गृहस्थों के लिए 26 अगस्त को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना अत्यंत ही पुण्य फलकारी होगा। अपने को विशिष्ट वैष्णव मानने वाले तो औदिक अष्टमी एवं रोहिणी में 27 अगस्त मंगलवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। वस्तुतः यह पर्व ही 2 दिन का है एवं दोनों दिन के पक्ष में पर्याप्त शास्त्र प्रमाण मिलते हैं। जन्माष्टमी तिथि कब से कब तक है आपने जाना। जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत जो है शाम में मतलब रात्रि में 26 अगस्त की 3:39 पर होगी और समापन 27 अगस्त रात्रि में 2:19 पर होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। 27 अगस्त को मनेगा कृष्ण जन्मोत्सव। जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 9वीं तिथि में गोकुल और वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसीलिए इस साल 27 अगस्त को कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गुजरात स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। खासकर जन्माष्टमी के व्रत का महत्व जानिए कि क्या है इसका महत्व। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल इसी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके घर में सुख संपदा का वर्धन होता है। कहते हैं कि इस दिन संतान सुख से वंचित दंपति यदि व्रत रखते हैं तो उनकी खाली झोली भगवान भर देते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने से भगवान कृष्ण सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर बने हैं काफ़ी शुभ योग। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस साल कई शुभ योग बने हैं। इस दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ शुभ योग, जयंती योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ संयोग में कान्हा जी के जन्मोत्सव का व्रत करना और भी शुभ फलदायक माना जाता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।